भी आ चुके हैं अपने फिट लाइन पे। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ फिट लाइन की कोटेशन, क्या क्या मशीनें हैं और कितना उन्होंने बजट बनाया है। राम राम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज का ब्लॉग ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो भाई आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं गेस करो। तो पहले मैं जा रहा हूँ गुरु जी के पास, देन उसके बाद वो प्लान बनाएंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। बाकी आप भी वीडियो से जुड़े रहो, बने रहो, आपके लिए भी बहुत कुछ सीखने और देखने के लिए मिलेगा। तो भाई जो मेरे भाई बिजनेस करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो उनके लिए थोड़ा सा मिल जाएगा हिंट वगैरह। तो चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको सब चीज़ ओपनली। तो अभी हम चल रहे हैं सीधा गुरु जी के पास, देन उसके बाद प्लान बनेगा हम कहाँ जा रहे हैं, तो आपको दिखाऊंगा। तो सरप्राइज़ है, तो वीडियो से बने रहो। जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाकी चश्मे में बताओ भाई कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई, नज़र के चश्मे भाई दूर के। बाकी अंधेरे धूप में जाते हैं तो ब्लैक हो जाते हैं, तो पता नहीं क्या क्या इसमें सिस्टम है। कुल मिला के अच्छा लग रहा है मैं तो। बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है, अगर चश्मा ठीक लग रहा है तो भाई चश्मा पहना करूँगा फिर। और बाकी अब चलते हैं, ये रे हम रास्ते में हैं। तो भाई परथला गोल चक्कर के पास आ चुके हैं, ये रहा। तो चलो भाई मैं और गुरुजी कहाँ आ चुके हैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ी देर में रुको। लेवल काउंट ले लिया तो ले लो जी। भाई हम आ चुके हैं, जितनी देर से इंतजार था हमारा, जहां हम चलाते चलाते गाड़ी थक चुके हैं क्योंकि भाई दिल्ली में ट्रैफिक इतना मिला जिसका कोई हिसाब नहीं। हम आ चुके हैं भाई गुड़गांव रोड गिटोरनी, जहां फिट लाइन का शोरूम है, मेन हेडक्वार्टर है। तो आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में क्या क्या हम देखने आए हैं, क्या क्या हम लेंगे, क्या क्या हम करने आए हैं। तो फिट लाइन शोरूम के हमें चल के, क्योंकि मैं भाई न्यू जिम ओपन कर रहा हूँ तो उसके लिए सेटअप अभी सारा कोटेशन देखता फिर रहा हूँ, अलग अलग कंपनियों के क्या क्या हिसाब है, किसका कितना ठीक लग रहा है, कितना बजट में आ रहा है नहीं आ रहा। और आप भी बताना कि कौन सी चीज़ ठीक रहेगी डालनी चाहिए प्रेजेंट टाइम में जो चल रही हो मार्केट में ज़्यादा जिमों में, तो वो चीज़ें डालेंगे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी गुरु जी आ चुके हैं हमारे, ये रे। आ चुके हैं अपने फिट लाइन पे, आज एक बार वीडियो बना लेता हूँ मैं। लो जी भाई आ चुके हैं फिट लाइन शोरूम में अंदर, ये वाली ट्रेडमिल, ये सीरीज है ना जी हमारी, ये हमने सीरीज करी है, देखो सीरीज ठीक लग रही है ना। ये वाली सीरीज लिया जिसमें हमें रैप्स काउंटिंग होंगे जितनी भी मारोगे आप, तो ये शीटेड करिए चेस्ट वाली, चेस्ट सपोर्ट की। और इसी सीरीज़ की सारी बेंच है, लेट पुल डाउन है, तो देखो एक ये सीरीज है, ये इससे थोड़ी सी नीचे है। एक स्टीयर मास्टर लिया है भाई अपने क्राउड के हिसाब से। बाकी एक चीज़ ये न्यू यूनिक रखी है हमने, ये चीज़ ऐड कर ली है, कैसी लग रही है भाई गाइस बताओ। और बाकी इसके कोस्टेनर ये वाला करा है, और दिखाता हूँ आपको और यूनिक चीज़ दिखाता हूँ फंक्शनल ट्रेनर की, जो अभी तक देखा नहीं होगा तुमने। ये है भाई स्मिथ प्लस फंक्शनल ट्रेनर, ये देखो आप। तो ये एडिशन में है, ठीक है भाई, इसमें दोनों
और बाकी लेग प्रेस हमने ये वाला कराया, इससे इसमें थोड़ा सा बेटर है। और बाकी दिखाता हूँ आपको एक ये करा है हमने सोमो स्क्वाट के लिए। और ये देखो फंक्शनल ट्रेनर कैसा लग रहा है, उसके सामने खस्सी है फीका भाई बिल्कुल। और एक हमने करा है ये रैक जिसमें आप चेस्ट भी मार सकते हो इसमें, और वो भी मार सकते हैं स्क्वाट्स भी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने ऐड करी है भाई, और कोटेशन बनवाएंगे अभी कितने तक का बजट बनता है, कितने तक की मशीनें बनाते हैं। बाकी लेग प्रेस का अगर देखोगे तो बहुत अच्छा इसका बहुत अच्छा इसका मूव है भाई, बहुत तगड़ा करके देखते हैं अभी देखूँगा। बाकी डंबल प्लेट लेनी है ये ठीक है, हिप थ्रस्ट नहीं ऐड करवाया, एक हिप थ्रस्ट ऐड करवाना था। तो गाइज हम आ चुके हैं घर और भाई थक चुके हैं बहुत बुरी हालत, क्योंकि सुबह से सांझ होली और ट्रैवल करते करते, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक इतना होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो भाई कोटेशन बनवा के लाए हैं फिट लाइन की, तो मैं आपको दिखाता हूँ बताता हूँ क्या क्या सिस्टम है। और ये रहा हमारा ब्रॉक, ब्रॉक ये आप हमारा कैल्शियम की हड्डी लेकर घूम रहा है भाई साहब। ब्रॉक बेटा इधर आओ, अब इसको ये लग रहा है कि मैं इसे छीनूँगा। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ फिट लाइन की कोटेशन क्या क्या मशीनें हैं और कितना उन्होंने बजट बनाया है। और सेकेंड मीटिंग में बोल रहे हैं कि कुछ हो जाएगा डिस्काउंट अच्छा, तो देखते हैं। पहले आपको मैं दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ, चलो। ये तो ये है भाई हमारी कोटेशन फिट लाइन की। तो इसमें हमने भाई ट्रेडमिल करी है, रन ट्रेडमिल 3 क्वांटिटी, और भाई वैल्यू प्राइस ये है उसमें से इतना हो जाएगा, और तीनों की ये है वेयर हाउस की जो प्राइस पड़ेगी हमें। दूसरा भाई एक ट्रेडमिल पड़ेगा हमें, ये सिंगल ही सिंगल पड़ेगा, एक क्वांटिटी का है 241 का है, तो पड़ेगा हमें 116 का एक, ये पड़ रही है 16 की एक, तो टोटल पड़ रही है हमें 318 की, ठीक है भाई। और दूसरा है हमारा, दूसरा तो हमारा ये थी कर्व ट्रेडमिल। फिर आती है हमारी तीसरी भाई क्रॉस ट्रेनर, दो हैं हमारे और इसकी वैल्यूएबल हमारी 88,000 लग रही है एक की, तो दो पड़ रहे हैं हमें 176 के, ठीक है भाई। तो स्पिन बाइक हमारी एक पड़ रही है 35,000 रुपये की, तो हमने लिए 4, तो वो पड़ रही है 140,000 रुपये की। यह है भाई फिट क्लाइंबर जो स्टेयर मास्टर बोलते हैं, तो ये एक है हमारा 125,000 रुपये का, और लेट पुल डाउन है 71,000 रुपये की, एक सीटेड है एक 71,000 रुपये की। और यह है भाई तुम्हारा पैक डेक फ्लाई, ये हमारा 71 का, और यह लेग का लेग एक्सटेंशन एक साथ 78,000 रुपये की। ये वर्सा प्रेस है, इसमें भाई तीनों चेस्ट मार सकते हैं आप, तो ये है हमारा 66,000 रुपये का। और भाई जो लेडीज़ लड़की जो चिनअप्स नहीं मार सकती हैं उसके लिए हमने लिया एक, तो 71,000 रुपये का। यह फंक्शनल ट्रेनर विद स्मिथ मशीन है, तो ये लगाया भाई 125,000 रुपये का। यह भाई लेग प्रेस हमारा, तो ये 90,000 रुपये का। फ्रीडम बेल्ट स्क्वाट जिसमें हम स्क्वाट्स सूमो स्क्वाट्स मार लेते हैं, तो ये हमारा 78,000 रुपये का। और भाई ये है हमारी दो बेंच हैं 44,000 रुपये की, एक है 22,000 रुपये की। दो फ्लैट बेंच हैं, ये है एडजस्टेबल का है, ये फ्लैट है, तो ये 12,000 रुपये का, 24,000 रुपये के दो हैं। और भाई ये स्टूल दो हमारे, तो 30,000 रुपये का एक है, तो 60,000 रुपये के हो गए। ये हमारा है रोमन चेयर जो हमारा हाइपर एक्सटेंशन मारते हैं जिसपे, तो ये हमारा 17,000 रुपये का। यह भाई डंबल रैक, तो ये 25,000 रुपये का। और ये है रोड का बारबल स्टैंड, तो ये है 10,000 रुपये का। तो फाइनल अमाउंट हुई हमारी 19,96,000 रुपये की, ठीक है। और उसमें से अमाउंट है भाई हमारा ये है वो जो हमें देना है, कितना कैश करना है, कितना वो होगा, ये हमारा वो सिस्टम। 19,96,000 का फिट लाइन की कोटेशन बनी है। और बाकी जिम टेक्नो की अभी मिल नहीं रही है कहीं पे, कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है मेन, तो NCR में तो अभी दिख नहीं रहा लोकेशन में, तो भाई देख रहे हैं और अभी। और हमने वीवा का भी ले लिया, उसका भी लगभग इतना ही है ऑलमोस्ट, तो लाख लाख का फ़र्क है उसमें वीवा में।
देखेंगे बाकी भाई, अभी चल रहा है प्रोसेस और अभी जितने भी मशीनें देखूंगा तो आपसे शेयर करूंगा। बाकी अभी चल रहा है प्रोसेस में काम। बाकी हमारी जिम में इंटीरियर अभी स्टार्ट हो रहा है तो देखते हैं वो भी कितने टाइम हो जाएगा। अभी तो लगेगा उसको भी डेढ़ एक महीने, कम से कम डेढ़ महीने तो लगना ही लगना है। देन उसके बाद एक डेढ़ महीने में अपना हमारा सारा सिस्टम हो जाएगा मशीनों का, कहाँ में कौन सी लेनी है कौन सी नहीं है, तो जो भी होगा सब आपसे शेयर करूँगा। तो बाकी वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना भाई, और ऐसे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ, प्यार बनाए रखो। और आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, बोलना, तो उसका मैं कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दूंगा। तो बाकी लव यू, जय हिंद जय भारत।